हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप अपने एम्प्लॉय को क्या कहते हैं आप, या आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट हो तो आप किसी एम्प्लॉय को उसकी छुट्टियों का पैसा देते हो, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे टैली में। तो बहुत सिंपल है, वो जो छुट्टियों का पैसा देते हैं वो होता है हमारा लीव इन कैशमेंट, ठीक है। अब जो हमारी एंट्री होगी वो हम सबसे पहले हम अपनी गेटवे टैली पे आ जाएंगे और हम आएंगे अपने बाउचर पे। बाउचर पे हम मान के चलिए डेट, जैसे जनरली क्या होता है वो 31 मार्च को ही वो एंट्री डलती है, तो मैं 31 की एंट्री ले रहा हूँ। और जो हमारा खर्चा होगा वो होगा लीव इन कैशमेंट, लीव इन कैशमेंट। और ये हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। और हम कर देंगे कंट्रोल ए। जैसे मान के चलिए हम उसकी सैलरी है 20,000 और उसकी 30 की 30 छुट्टियाँ जमा है, तो उसका तो हम 30,000 ये डाल देंगे खर्चे में और बैंक से उसको पेमेंट दिखा देंगे। और कर देंगे कंट्रोल ए। और यहाँ पे हम उसको चेक नंबर दे सकते हैं, पे टू ABC, जिस किसी को भी आप पे कर रहे हो क्या कहते हैं उसका नाम आ जाएगा फॉर लीव इन कैशमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 और कंट्रोल ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कहते हैं अपनी एंट्री कर सकते हैं टैली में कि लीव इन कैशमेंट, उसे हम पैसा कैसे छुट्टियों का पैसा देंगे, तो उसकी हम एंट्री कैसे करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। इन केस आपका कोई डाउट बनता है तो आप मेरे को कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नए ऐसे ही टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।